पन्ना जिले के थाना प्रभारी वहीद खान ने पुलिस स्टाफ के माध्यम से हाई सेकेंडरी स्कूल सुनवानी कला में गुड टच और बैड टच के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही हम घरेलू हिंसा को कैसे रोक सकते हैं, स्कूल प्रभारी ब्रिजेश उपाध्याय ने पूछा कि जो फर्जी कॉल आते हैं उनसे हम कैसे सतर्क रहें। थाना प्रभारी ने बताया कि साइबर सेल की मदद से अपराध को रोका जा सकता है। जागरूकता अभियान के बाद स्कूली छात्रों ने थाना प्रभारी का नंबर लिया। थाना प्रभारी ने कहा कि हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। थाना प्रभारी ने कहा कि असामाजिक तत्व बच्चियों और महिलाओं के साथ किसी भी तरह की गलत हरकत करते हैं, सबसे पहले आप अपनी माँ को बताएं, अपनी सहेली को बताएं, पुलिस को बताएं, ताकि हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहें। सिमरिया से धर्मेंद्र पाठक की रिपोर्ट। घरेलू हिंसा के बारे में ये है कि अधिकांश फैमिलियों में, परिवार में बहुएं सास से लड़ती है, सास बहुओं से लड़ती हैं, बच्चों को उससे तकलीफ होती है, तो ये घरेलू हिंसाएं आगे चल के एक परेशानी का सबब बन जाती हैं जो फैमिली को टूटने के लिए मजबूर कर देती हैं। उस संबंध में जो आज की ये बच्चियाँ हैं, अगर ये अपनी फैमिली में जा कर के अपनी फैमिली को इस बात के लिए जागरूक करेंगी, उसी संबंध में बच्चियों को समझाया गया कि बेटा अपने परिवार में इस तरीके का माहौल बनाइए जिससे कि परिवार में एक दूसरे से कलह ना हो। चूँकि कल जो बहू आई है उसको अगर सास अपनी बेटी बना करके रखेगी और बेटी मान करके चलेगी तो कभी भी पारिवारिक कलह नहीं हो सकती, जिससे परिवार टूटने से बच जाएगी।